हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वड़कम और ज्ञानी दिद्दी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम। भाई मैंने आपको प्रॉमिस किया ही है कि मैं आपको हर बार हर वीक ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन ऐसे कोर्सेज के बारे में दूंगी जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा और अगर सुना भी होगा ना तो डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ऐसे ही मैं आज फिर से एक कोर्स आपके पास लेकर आई हूँ वादे के मुताबिक जिसकी मैं पक्की हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। भाई टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बात तो हमें तय है पक्की है कि ये कभी ख़त्म नहीं होनी। जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हो रहा है वर्ल्ड डेवलप हो रहा है टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। तो इस सेक्टर में अगर आपको जॉब मिलनी है इस सेक्टर में अगर आप अपना काम करना चाहते हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये सेक्टर कभी डूबने वाला नहीं है नहीं डूबेगी। तो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जितने भी गैजेट्स हैं अगर आप टेक गीक हैं अगर आपको फ़ोन मोबाइल पीसी इन सब में बहुत इंटरेस्ट है कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है तो अगर आपको एक फ़ोन की एक पीसी के मदरबोर्ड रॉ रैम इन सब में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं इनकी और डीप टेक्निकलिटीज़ और इसी फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो ये कोर्स ना आपके लिए बेस्ट है। तो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और उसके साथ कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं भाई ये कोर्स जो है ना तुम लोगों के लिए एकदम बेस्ट है। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसके थोड़े से डिटेल। भाई 3 साल का ये डिप्लोमा होने वाला है थोड़ा सा लंबा समय है डिप्लोमा की बात की जाए तो बट वर्थ है बिल्कुल वर्थ है। और अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की तो यार कुछ इतना ज़्यादा नहीं है 10+2 विच इज़ 12th पास फ्रॉम एनी रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ 50% यू हैव टू बी एन इन साइंस सब्जेक्ट। तो जिसको भी इंटरेस्ट है यार मुझे लगता है ये सारा क्राइटेरिया फिट आराम से बैठ ही जाना है। और अगर एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो मेरिट बेस्ड है तो कोई ज़्यादा मेहनत इसमें है ही नहीं ऐसी। अगर मैं बात करूँ कोर्स फीस की यार तो वो 10,000 से लेके 5 लाख तक की आराम से ही है और डिपेंडिंग आप कौन सी जगह पर जा रहे हो कौन सी जगह से कौन से कॉलेज से आप ये कोर्स कंप्लीट करना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली फीस स्ट्रक्चर जो है वो मैटर करेगा। अब एवरेज फीस की सुन लो भाई एवरेज फीस अगर मैं बताऊँ तो एक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर वाला जो बंदा है भाई उसको कम से कम 3 लाख से लेके 20 लाख तक की सैलरी तो मिलनी है कहीं नहीं गया वो। और टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो यार इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एविएशन डिपार्टमेंट डिफेंस सर्विसेज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को ना एक ऐसे इंजीनियर की ज़रूरत है जो कि टेक गीक हो तो ये कहीं नहीं गई चीज़। अब मैं बात करती हूँ जॉब पोजिशन के बारे में तो प्रोडक्शन क्वालिटी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मैनेजर बिजनेस डेवलपर आप ये सब बन सकते हैं और ढेर सारे और भी ऑप्शंस है जो आप बन सकते हैं। तो आई गेस अगर आप एक टेक गीक है मैं फिर से ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है और आपको लगता है कि आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है यानी कि बेस्ट है। और 3 साल का डिप्लोमा है किसी और भी सब्जेक्ट के साथ आप साथ ही साथ इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास और डाउट्स हैं और आपको जानने हैं ऐसे कॉलेजेस जो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करने वाले ये कोर्स आपको प्रोवाइड करने वाले तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ पर ईमेल है और कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप ज़रा कॉल कीजिए अपनी क्वेरी पुट अप कीजिए आर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो हमारे चैनल स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कर और अगर कहीं और देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमें। तब तक के लिए ज्ञानी दिद्दी का बाय और नमस्कार और आऊँगी फिर से ऐसी वीडियोज लेकर ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर ऐसे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर जहाँ पर आपको ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ये आपको सिर्फ हमारे चैनल स्टूडेंट खबरी पे मिलने वाला है ज्ञानी दिद्दी की तरफ से और कोई चैनल आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।